अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनीस रहमान और आप देख रहे हैं इन्फोटेक अनीस। आज मेरा मौजू है मेहनत। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस वक्तन फवक्तन आपको मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आजकल हर इंसान इस दुनिया में एक रेस में लगा हुआ है। वो रेस क्या है? वो रेस ये है कि कामयाब और पुरासाइश ज़िंदगी। अब इंसान को एक कामयाब और पुरासाइश ज़िंदगी गुजारने के लिए एक ही असूल पे कार फरमा होना पड़ेगा, और वो असूल कौन सा है? वो असूल है मेहनत। अगर कोई इंसान ये सोच रहा है कि बगैर मेहनत किए मैं कामयाब हो जाऊं, तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता। कामयाब होने के लिए और पुरासाइश ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी है कि आपको अपने बुरे दिनों से और बुरे वक्त से लड़ना पड़ेगा। ये हो ही नहीं सकता कि आप बिना बुरे दिन देखे, बुरे हालात देखें आप कामयाब हो जाएं। उसके लिए आपको बुरे वक्त, बुरे हालात, लोगों की बातें भी सुननी पड़ेंगी, और ऐसी ऐसी बातें सुननी पड़ेंगी कि आपके पांव के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी। लेकिन अगर आपने कामयाब होना है तो आपने वो मेहनत जारी रखनी है। बेशक लोग बातें करते रहें, बेशक लोग जो मर्ज़ी कहते रहें, आप अपनी मेहनत जारी रखेंगे आप कामयाब हो जाएंगे। हाँ, बाज़ औक़ात इंसान की ज़िंदगी में ये मौका आता है कि इंसान सोचता है कि मैं ये नहीं कर सकता, लेकिन फिर जब वो थक हार के रात को अपने घर जाता है, सोता है, सुबह वो नए फ्रेश माइंड के साथ आके दोबारा ये काम करना शुरू कर देता है, दोबारा अपनी मेहनत मजदूरी शुरू कर देता है, एक वक्त आता है वो शख्स कामयाब हो जाता है, क्योंकि उसने मेहनत करनी नहीं छोड़ी। बिल गेट्स था, एक मिसाल देता हूँ मैं आपको। बिल गेट्स था, उसने अपने बुरे वक्त और ज़िंदगी के सबसे बुरे अयाम में 18-18 घंटे काम किया है। मशहूर फुटबॉलर है रोनाल्डो। रोनाल्डो के बारे में कहा जाता है कि जब वो आम सा फुटबॉलर था तब वो ग्राउंड में सबसे पहले आता था और सबसे आखिर में ग्राउंड से जाता था, और आज वो किस मकाम पे दोनों अशखास मौजूद हैं आप खुद गूगल करके सर्च कर लें, आपको पता लग जाएगा। लेकिन इन लोगों ने मेहनत करनी नहीं छोड़ी। लोगों ने बहुत ज़्यादा बातें की इनके बारे में, इवन के रोनाल्डो के बारे में कहा जाता था कि ऑपरेशन के बाद ये चल फिर भी नहीं सकता, फुटबॉलर बनना तो बड़े दूर की बात है। लेकिन आज वो जब फुटबॉल के ग्राउंड में उतरता है, दुनिया खड़ी होकर उसका इस्तकबाल करती है। क्यों? क्योंकि उसने 18-18 घंटे फुटबॉल ग्राउंड में गुजारे हैं, अपना नाम बनाया है। दुनिया में जितने कामयाब अशखास हैं उनकी आप बायोग्राफी उठा के देख लें या उनको विकिपीडिया पे सर्च कर लें। एक वक्त उनकी ज़िंदगी में था जब उनके पास दो वक्त की रोटी खाने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन उन अशखास ने मेहनत की और उस मेहनत का रिज़ल्ट आज वो प्रॉफिट की सूरत में ले रहे हैं। चंद अशखास हैं पाकिस्तान में, उनके नाम मैं ले देता हूँ। पाकिस्तान की सबसे मशहूर ब्रांड जो है राइस की, वो सेवर फूड्स हैं। सेवर फूड्स की इब्तदा होती है कॉलेज रोड से, कॉलेज रोड रावलपिंडी से। वो शख्स रेड़ी पे अपना छोटा सा देगचा रख के उसने राइस का बिज़नेस शुरू किया था। उसने मेहनत करनी शुरू की, वक्त गुजरता गया, फिर उसने रेड़ी बेच दी, दुकान पे आ गया, दुकान उसने ले ली।
फिर उसका कारोबार बढ़ा, उसने मेहनत अपनी जारी रखी, फिर उसने अपनी सेवर फूड्स के नाम से एक ब्रांच खोली कॉलेज रोड पे। उसके बाद जब उसने मेहनत करना नहीं छोड़ी, फिर उसने अपनी दूसरी ब्रांच ब्लू एरिया इस्लामाबाद में खोली। आज उस शख्स की वर्ल्ड वाइड ब्रांचेज हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुबई में भी हैं, कतर में भी हैं। इसके पीछे वजह क्या थी कि वो शख्स इतना कामयाब क्यों हुआ? उस शख्स ने एक असूल अपनाया था, मेहनत मेहनत और मेहनत। उस शख्स ने ना दिन देखी ना रात देखा, सिर्फ मेहनत की। आज उसका नाम वर्ल्ड वाइड बोलता है। दूसरा मशहूर शख्स है पाकिस्तान का, इमरान खान, जिसने 92 का वर्ल्ड कप जिताया पाकिस्तान को। उस शख्स ने 1996 में पार्टी की बुनियाद रखी, 1996 में इलेक्शन लड़ा, अपनी सीट भी नहीं जीत सका, उसने मेहनत जारी रखी। 2003 का इलेक्शन आया, 2002 का उसने अपनी एक सीट मियांवाली से जीती, लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि तांगा पार्टी है। 2008 के इलेक्शन में उसने एक सीट जीती, 2013 के इलेक्शन में उसने 31 सीटें जीतीं, 2018 के इलेक्शन में उसी मेहनत का समर उसको मिला, आज वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है। तीसरा शख्स पाकिस्तान का मलक रियाज, सेटेलाइट टाउन में आज भी उसका घर देख लें जाके, आज भी मौजूद है, उसने बेचा नहीं है। हालांकि पाकिस्तान के जितने बैरिया टाउन्स हैं सब में वो पार्टनर है, चीफ एग्जीक्यूटिव है, अपने उस शख्स के जहाज़ हैं, अपने हेलीकॉप्टर्स पे वो आता है, अपने कन्वाई उसके मूव करते हैं रोड्स पे। पाकिस्तान की बिलियनियर्स की जो शख्सियात है ना, टॉप 5 बिलियनियर्स जो पर्सनैलिटीज़ हैं उनमें मलक रियाज का नाम आता है। वो शख्स टैक्सी चलाता था, टैक्सी चलाते चलाते उसने अपना माइंड इस्तेमाल किया, बिजनेस की तरफ आया, रियल एस्टेट बिजनेस की तरफ आया। जब वो फिर उसने प्लाटिंग शुरू की, प्लाट सेल परचेज का उसका कारोबार सही हो गया, उसने मजीद मेहनत की। आज उस शख्स के बैरिया टाउन देखें, रावलपिंडी बैरिया टाउन, लाहौर बैरिया टाउन, कराची बैरिया टाउन देखें, अरबों का मालिक है। और पाकिस्तान के जो टॉप के टॉप रैंक के पॉलिटिशियंस हैं ना, उसके मोहताज हैं इधर उधर मूव करने के लिए। पाकिस्तान की हाई सिक्योरिटी जितनी जनरल्स, मेजर जनरल्स, ब्रिगेडियर सब के प्लाट उस की सोसाइटी में है। तो इससे हमें सबक ये मिलता है कि मेहनत करनी कभी नहीं छोड़नी चाहिए। जो शख्स लगातार मेहनत करता रहता है उसके लिए गारंटी है कि वो शख्स कभी ना कभी कामयाब हो जाएगा। देखें, एक बच्चा मैट्रिक के पेपर्स दे रहा है, उसके लिए उसको पढ़ना पड़ेगा। अगर वो थोड़ा पढ़ेगा, मिसाल के तौर पे मैं ये कह देता हूँ कि वो शख्स सिर्फ पेपर्स नज़दीक आने की सूरत में अपनी स्टडीज़ शुरू करता है तो उसके नंबर नॉर्मल आएंगे। एक शख्स जो क्लास में पहले दिन गया, पहले दिन से उसने बुक स्टडीज़ शुरू कर दी, उसने राइटिंग शुरू कर दी, उस शख्स के मार्क्स और जो एंड पे जाके जिसने पेपर्स की मार्कशीट दे रिजल्ट शीट दे के सॉरी तैयारी शुरू की, उसके और उस शख्स के मार्क्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। जो शख्स पहले दिन से स्टडीज़ कर रहा था, ख़ुद को प्रिपेयर कर रहा था मेहनत करके कि मैंने पेपर देने हैं, वो शख्स टॉपर होगा। तो इस वीडियो में मेरा पैगाम ये था कि मेहनत करना कभी ना छोड़ें, एक ना एक दिन आएगा आपको उस मेहनत का फल मिलेगा और आपकी ज़िंदगी इंतहाई कामयाब और पुरासाइश होगी, जो आपकी आने वाली नस्लों के लिए भी फ़ायदा मंद होगी, सिर्फ आपके लिए नहीं आपकी आने वाली नस्लों के लिए भी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो का फीडबैक मेरी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आखिर में अख्तिताम इस दुआ के साथ, जहाँ रहें खुश रहें, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।